ये आंसू बोल रहा था वहां पर जाके सौरभ जोशी का कैमरा ढूंढना है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माई न्यू व्लॉग। तो भाई यार देखो सीन कुछ ऐसा है, अभी हो चुके भाई सुबह, तो आप भी लोग देख रहे हो तो फिर मैं तो गुड आफ्टरनून। तो भाई यार देखो आज हम उत्तराखंड में हैं और आज की पूरी रात हमारी उत्तराखंड में बीती है और भाई क्या ही गजब नींद आई, क्योंकि यार पूरे दिन थक गए थे, पूरी रात थक चुके थे, ट्रेन में थक गए थे, क्योंकि ऐसा सीन हो रखा था भाई बहुत भयंकर वाला। तो अब उठ के आया हूँ मैं, आग देख सकते हो कितनी भयंकर वाली हो रखी है। तो भाई यार आज का कुछ सीन ऐसा रहेगा, भाई आज हम जा रहे हैं हरिद्वार से ऋषिकेश, तो ऋषिकेश जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारे व्यू, बहुत अच्छे अच्छे पहाड़, बहुत कुछ है वहाँ पर देखने के लिए, तो वो सारा चीज़ आपको इस वीडियो में एक्सप्लोर कराएंगे। तो भाई एक चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पर जाके, भाई ये आंसू बोल रहा था वहाँ पर जाके सौरभ जोशी का कैमरा ढूंढना है, जो सौरभ जोशी का कैमरा था GoPro Insta3D है ना, ढूंढेंगे आज, मिल जाएगा, ढूंढेंगे बोल रहा है, नहीं मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ढूंढेंगे भी, जब तक नहीं मिलेगा जब तक घर नहीं आएगा, जब तक थोड़े नहीं तब तक फोड़ेंगे नहीं, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं, तो कैमरा मिलेगा, तो कैमरा ढूंढ के रहेंगे और सौरभ जोशी को, सौरभ जोशी मिलने जा रहे हैं ना तो देख के भी आएंगे उसको, ठीक है। तो भाई यार वो सब बात अलग है, बाकी आज जा रहे हैं हम ऋषिकेश और यहाँ का देखो मौसम दिखा दो भाई, कितना ही मस्त हो रखा है यार, ये पहाड़ है, ये वादियाँ, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा। तो भाई यार अभी है ना हम लोग तैयार हो जाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं भाई, बस स्टैंड हरिद्वार से और ऋषिकेश की दूरी शायद शायद 25 किलोमीटर की होने वाली है, तो हम चलते हैं पहले ऋषिकेश, तो उससे पहले तैयार हो के चलते हैं, चलो। तो भाई रेडी हो चुके हैं और देखो अभी आपको सीन ऐसा है, हम भाई जा रहे हैं हमारी R15 से, जो कि राजस्थान से यहाँ पर ट्रांसफर होके आई है, चला के लेके आए हैं, तो वो लोग जा रहे थे उधर, वो जा रहे हैं भाई बस। तो आज है ना आपको ना बहुत सारे सीन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हम बाइक से जा रहे हैं ना, तो बीच में बहुत सारे सीन कैप्चर करेंगे, तो चले चलो, चलो। तो भाई यार देखो अभी आपको सीन ऐसा है, हम आ चुके भाई नाश्ता वगैरह करने के लिए, नाश्ता करके हरिद्वार में और जाएंगे ऋषिकेश से, तो नाश्ता करके आप भी पराठा खाइए, तो नाश्ता वगैरह करके, तो भाई यार देखो नाश्ता वगैरह हो गया और भाई हम निकल रहे हैं और इसने यहाँ पर फोन लगाया है, वीडियो अपलोड कर रहा है, चले तुम आ जाना ऑटो वगैरह, ठीक है, तो चलो भाई चलते हैं इससे, जल्दी बैठ यार। तो भाई यार देखो हम ना अभी रास्ते में पहुँच गए हैं, हाईवे पर खड़े हैं और भाई यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर ऋषिकेश है, ठीक है, और यहाँ पर देखो भाई क्या ही सीन आ रहा है गंगा जी का, भाई बहुत ही ज़्यादा बहती हुई गंगा जी, मतलब कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है इधर, और पूरे पहाड़ पहाड़ वादियाँ, भाई इतना अच्छा हरियाली है यहाँ पर भाई, बहुत ही ज़्यादा। चलो आगे चलते हैं भाई, आगे चल के देखते हैं, मैंने यहाँ पर बाइक रोकी है थोड़ी देर के लिए सीन लेने के लिए, अभी आगे चलते हैं। तो भाई यार देखो हम पूछ चुके हैं भाई ऋषिकेश में और हमारी जो बाइक थी ना वो लगा दी हमने पार्किंग में और ये लोग भी आ चुके हैं भाई, यहाँ का सीन क्या ही, मतलब कि क्या ही मस्त वाला सीन है, और सही बताओ ना यहाँ पर मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आगे, और अभी का कुछ सीन ऐसा है भाई हम जा रहे हैं राफ्टिंग करने के लिए, जो बोट राइडिंग होती है ना, जो हमारे सौरभ भैया किए थे अभी, सौरभ जोशी भैया, वो राइडिंग करने के लिए, तो ये बोल रहा था ना उनका जो GoPro कैमरा ढूंढना है, तो उसके लिए जा रहे हैं वहाँ पर, तो उसका वीडियो मैं आप लोगों को अलग से दिखाऊंगा, और वो वीडियो क्योंकि वो यार 2.5-3 घंटे की राफ्टिंग होगी, तो वीडियो अलग से बना लूँगा उसका, तो वो वाला वीडियो आप नेक्स्ट वीडियो देख लेना भाई, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो फिलहाल को है ना मैं आपको मिलता हूँ राफ्टिंग करने के बाद। 2000 years later.
तो गाइस यार फाइनली है ना हम लोग राफ्टिंग करके आ गए भाई। देखो क्या बुरा हाल हो रखा है, और कल वाला भी लोग देख लेना आप लोग राफ्टिंग का, मतलब क्या सीन हुआ था हमारे साथ, मतलब बहुत तगड़ा वाला सीन हुआ था। हमारे एक बंदा मतलब कि नदी के अंदर गिर गया था, बट उसको बचा लिया था। मतलब आप लोग वीडियो देखना भाई, कल वाला राफ्टिंग का वीडियो आ जाएगा, आप लोग देखना ना। अभी अगर सीन ऐसा है, हम लोग अभी भाई नहा धो के ना अभी मंदिर वगैरह दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो भाई चले मंदिर वगैरह दर्शन करने। तो अभी चलते हैं वहाँ पर, और आपको जाके पहले दुकान पर चलते हैं सामान वगैरह लेके अपने, तो फिर वहाँ से चलते हैं। तो भाई यार देखो हमने ना यहाँ से राफ्टिंग की थी भाई के पास, और भाई की दुकान ये वाली है, नंबर भी है, आप लोग कभी आओ ना तो इस नंबर पे कॉल करके आ सकते हो भाई के पास। तो भाई अब चलते हैं यहाँ से है ना, हमको जाना है उधर घूमने के लिए थोड़ा। तो भाई यार वहाँ पर जाके आप लोग ना कुछ सीन्स भी दिखाते हैं, चलो। तो भाई यार देखो अभी कुछ सीन्स ऐसे हैं, हम लोग भाई आ चुके हैं राम झूला के पास, तो मैं आपको राम झूला दिखाता हूँ भाई। ये है राम झूला, इतना ज़्यादा मस्त दिख रहा है भाई। अभी हम इसके ऊपर से चलने वाले हैं, तो पहले है ना वहाँ पर चाय वगैरह पी लेते हैं, क्योंकि अभी राफ्टिंग करके आए ना तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो वहाँ पर चलने से पहले हम लोग सब लोग चाय वगैरह पी के चलते हैं। तो भाई यार चाय मिल चुकी है, चाय मिल के और फिर चलते हैं। तो भाई ये रहा भाई राम झूला, और लक्ष्मण झूला भी शायद ऐसा ही है, उस साइड में है वो। तो राफ्टिंग का वीडियो देखोगे ना आप लोग तो उसमें पता लग जाएगा। बाकी यार ये देखो कितना ज़्यादा मस्त है, और हमारे लोग भाई वो कहाँ रह गए, आ जाओ यार। तो भाई यार यहाँ पर आने के बाद इसका सीन देखो यार कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है, और यहाँ पे पूरे में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। बाकी यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा। और नीचे आपको पता है ये गंगा जी है, मतलब गंगा जी रिवर है ना वो है। तो भाई यार देखो अभी हम लोग भाई राम झूला पे चल रहे हैं, और सही बता रहा हूँ इधर है ना ऐसा लग रहा है जैसे कि ये झूल रहा हो, ऊपर नीचे ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेटर लग रहा है। क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ यार कूदने का मन कर रहा, झूलने का। और तेरा क्या करने का मन कर रहा है, तेरे को कूदने का मन कर रहा है? गाइस देखो वो लोग, देखो वो लोग राफ्टिंग कर रहे हैं, ऐसे ही हम लोगों ने भी राफ्टिंग किया है। क्या भाई कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहे? हाँ देखो ऐसे ही हम लोगों ने भी राफ्टिंग किया है, वो वाला भी लोग कल देखना आप लोग, बहुत ही ज़्यादा मजा आया भाई। और पता है ये है गंगा रिवर, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और पता है क्या हो गया? तो भाई यार गंगा रिवर भी कितनी ज़्यादा अच्छी दिख रही है यार, बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही है। गाइस यार देखो हम अभी इधर आ चुके हैं राम झूला पार करके, और ये है भाई इधर का मार्केट, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं भाई गंगा आरती देखने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है यहाँ की गंगा आरती। चलो अभी सीरियसली है ना गंगा आरती में मतलब इतना ज्यादा मजा आता है भाई। आप लोग है ना कभी भी इधर आओ ना तो गंगा आरती एक बार जरूर देख के जाना, ऋषिकेश की गंगा आरती बहुत ही ज्यादा मस्त लगती है। अलग सा फील हो रहा है। तो अभी का कुछ सीन्स ऐसे हैं कि हम लोग जा रहे हैं भाई हरिद्वार वापस, जो कि हम हमारे यहाँ पर रूम लेकर रह रहे हैं ना वहाँ पर वापस चल रहे हैं। तो अभी चलते हैं वहाँ पर क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं, और हमने ना राफ्टिंग की थी ना उसकी वजह से भाई बहुत ज़्यादा थक चुके हैं,
और थोड़ी तबीयत भी थोड़ी ठीक मतलब ठीक नहीं लग रही, क्योंकि यार पानी में गिर गए थे। पानी में मतलब कि इतना ज़्यादा ठंडा पानी है गंगा जी का, भाई हिमालय से आ रहा है ना तो ठंडा तो होना ही है। चले अब चलते हैं। तो भाई यार फिलहाल हम लोग आ चुके हैं भाई राम झूला की तरफ, वापस से हम लोग रिटर्न जा रहे हैं अपने घर पे। तो भाई यार क्या ही सीन है भाई यहाँ पर, कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है ये। तो अभी इधर से चलते हैं और आप लोगों से आगे जाके मिलते हैं। चलो हम लोग पूछ चुके हैं हमारे जहाँ पर स्टे कर रखे हैं ना वहाँ पर, और भाई आने में यहाँ पर है ना बहुत ही ज़्यादा दिमाग खराब हो गया क्योंकि रास्ता भूल गए, रास्ता भूल गए। तो अभी चलते हैं अपन और वहाँ पर मिलते हैं। ओके गाइस तो चलते हैं। तो भाई ये देखो अभी का कुछ सीन ऐसा है भाई, हम लोग आ चुके हैं हमारे रूम में और भाई सब लोग सोने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो भाई क्या सीन हुआ था वहाँ पर, राफ्टिंग कर रहे थे ना भाई नाव से, तो ये बंदा फेंक गया था। व्लॉग देखना बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, बहुत ही ज्यादा कल आएगा वो व्लॉग। बाकी देखो अभी का कुछ सीन ऐसा है, पानी में डुबकी लगाए थे ना भाई, इतना ठंडा पानी था वो, उसमें इतना ज्यादा ठंडा पानी था, हालत इतनी खराब हो चुकी है, तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है। अभी का टाइम बताया ना भाई, अभी एक बज चुके हैं और मैं इस व्लॉग को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। आपने देखा होगा सुबह व्लॉग स्टार्ट किए थे, अब एक बजे एंड हो रहा है व्लॉग। तो अब जाएंगे एडिटिंग करने के लिए और फिर उसके बाद सोएंगे और सुबह उठ के और फिर जाएंगे भाई कहीं घूमने के लिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी लोकेशन ढूंढेंगे। बाकी हल्द्वानी कब चल रहा है? कल कहने से देखते हैं, हल्द्वानी का प्लान बना रहे हैं हम। अभी बात कर मतलब 16 बजे से बात कर रहे हैं, बाकी हो गई ना तो सही बात है। बाकी हल्द्वानी चल जाएंगे और आप लोग कल व्लॉग देखना भाई, राफ्टिंग का बहुत कतई शहर वाला व्लॉग आने वाला है। तो भाई यार इस व्लॉग को मैं यहाँ पर ही एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।